करीबों दूर से धुंधला गया हूँ, सियासी बहस से उकता गया हूँ, बिना बोटी के बिरयानी मिली तो मैं जलसा छोड़ के ही आ गया हूँ। सूरत हाल है बता रही, लो फिर आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा हूँ आज मैं? आज बड़े प्यारे लग रहे हैं हम आज। अरे लेकिन अकल बांधे गए ने। अच्छा जी। वासे भाई जहाज से सफर कर रहे थे, बार बार बैल बजा के जूस मंगाई जान। अच्छा। अचानक अनाउंसमेंट हुई कि अपने पैराशूट बन के जहाज तो छाला मार दियो। इन्होंने सब तो पहले छाल मारी, उन्होंने दरवाजा बंद करके कहा तुसी बैठ जाओ, बस इन्हें ही कढ़ना सी। लाजवाब कर देते हैं। अच्छा। रिक्शे पे बैठे हैं तो कहने लगे स्टेडियम ले चलो, उन्हें क्या पहन कितने उतरोगे, कहने पेचते। शवारमे वाली दुकान तो मार खा ली। क्यों? उन्होंने कहते जी एक शवारमा दे दो तो सपारियां नरम रखना। एक बंदे नु कहंदे ने टाइम की होया, वो कहंदे ने गुट ते सट लगी, मैं पट्टी कराई तू घड़ी समझे। विजय बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एमएनए हैं मुल्तान से और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर फाइनेंस भी हैं, जनाब जैन हुसैन कुरैशी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्टर मॉडल एंड होस्ट मोहतरमा शर्मीन अली। वेलकम टू द शो जी। आज के दोनों ही मेहमान माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड के लेजेंड हैं सर। क्या बात है। और शेर भी मैं इनके लिए ऐसा ही लाया हूँ जी। जैन कुरैशी पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, और शर्मीन अली शोबिज की हैं एक मशहूर फनकारा। दोनों अपनी अपनी फनकारी में हैं अपनी आप मिसाल। कैसर पिया बजाएगा फिर भी छेड़छाड़ का इकतार। ये तो हक है मेरा। करदे जेड़े गल रोटी दी, करदे जेड़े गल रोटी दी, ओहो ही लांदे खल रोटी दी। गरीब विचारा रज ना जावे, पुट देंदे ने वल रोटी दी। जिन्होंने प्यार किया उनको क्यों सता रहे हैं? हाय हाय हाय। जो नहीं समझना चाहते उनको क्यों समझा रहे हैं? बिजली पेट्रोल महंगा करके जैन भाई, पीडीएम के जलसों का गुस्सा हम पे क्यों उतार रहे हैं? तो वासु भाई आपको नहीं पता ना इस बात का कि मैं तीसरी दफा इस शो पे आ रहा हूं। जी जी। और इस दफा तो इसका मर्रा निकाल के जाना मैंने। शादी करा के जानी है। अच्छा। रात के शो के लिए इनको राणा सनाउला समझे। हाँ। फिर आपके दिल के अंदर से निकलेंगी वो सारी बातें। मेरे तो दिल की निकलेंगी, इनकी गाड़ी में से कुछ ना निकला है फिर। एक और चीज कॉमन ही बता दूं, ये भी फैसलाबाद से ताल्लुक रखते हैं जी। वो तो सर खैर राणा सनाउला, अगर आपने फील करना हो तो आपको कंसीव करने में आसानी होगी। ये फैसलाबाद से भी है। तुसी कहने दे मैं मुछा ला लेना। हां एक कर सकते हो सर, मुछा वड्डियां ला के बैठ जाना। अच्छा बाल तो ठीक सन, हुन मुछा भी लवानी है। इमेज में ओदे विच भी कोई पैकेज लब लेना मैंने सोचा कि कुछ तब्दीली आनी चाहिए और कहीं तो आ नहीं रही, मेरे बालों में आ जाए। अभी के पसंदीदा ये स्टाइल है क्योंकि निकलते निकलते ना वो एकदम पीछे से पकड़ते। ये देखे ना साथ ही
एक तो मैं इसलिए सारी पोल आते साथ खुल रही है। ये नहीं, ये तो सर मेरे साथ रोज होती है, अगर खैर आप देखें तो। मगर जैन पहले तो ये बताइए वेट लॉस का क्या मामला है जी प्लीज मुझे भी। ये ओ हो देखें, आई एम नॉट द ओनली वन, फेवरेट टॉपिक ये भी ठीक है। बताइए सर, लॉकडाउन चल रहा था तो और तो कोई कंस्ट्रक्टिव काम हो नहीं रहा था, मैंने कहा चलो यही ऐसे कोई। मगर लॉकडाउन में लोगों के हमारे तो वजन बढ़ गए। एग्जैक्टली, आपने ये कैसे एकदम यू टर्न लिया इस पे? सर लोगों को अक्सर कोरोना हुआ उनका वेट गिरा है। हाँ, मुझे कोरोना हुआ मेरा भी वेट बढ़ गया था। जदों ने पीटीआई है डॉलर ऊपर गया वजन ये हर किसी का नहीं है, हमारा डॉलर भी ऊपर गया और वजन भी ऊपर ही गया। मगर अच्छा तो ये एक्सरसाइज हुई है यानी कि? बिल्कुल हुई है। और ये कितना अरसा लगा आपको ये करने में? सर अभी तो ये सफर जारी है, अभी खत्म थोड़ी हुआ। ये वाला सफर भी जारी है? हाँ ये सफर भी। लेकिन सर कोई सफर ऐसा होगा जिसमें आप कह के ये सफर करना है? अब आप कौन सा सफर करते हैं, अंग्रेजी वाला या उर्दू वाला? लेकिन सफर तो करना है। तो अच्छा यानी कि अखज ये करते हैं कि इट वाज अ वर्कआउट दैट इज वर्किंग आउट। हाँ जी मैडम, जवाब मिला आपको? इफ नॉट देन आई हैव अ फ्यू अदर ट्रिक्स अप माय स्लीव। प्लीज बताइए हमें, उनका तो काम हो गया, हमारा होना है अभी। भाई बहुत मशहूर डाइट्स आजकल तो आई नहीं है, सबसे मशहूर कीटो। सब तो जरूरी शहर है मुंह बंद करना। गलत बताया कि झुकते करने से दो कैलोरियां सड़ जाती हैं। इससे कुछ नहीं होता, ये सिर्फ चलता रहता है काम, बल्कि वो ज्यादा हंस हंस के खून आपका जो है वो ज्यादा रोटेशन में रहता है। वैसे आपने शर्मीन प्रोग्राम देखा है रिसेंटली? ऑन एंड ऑफ देखती हूँ मैं, टीवी इतना मौका नहीं मिलता। आप टीवी ही नहीं देखती? क्यों? मैं अपने सारे फारिग टाइम में आई रादर रीड, तो मैं कोई किताब खोल के बैठ। अच्छा तो क्या रीड कर रही हैं आप आज? मुझे प्लीज। अच्छा मैं आपको मजा इस पे। नहीं नहीं, लेकिन जिस तरह की जो किताबें मैं पढ़ती हूँ वो जो जो जिनको पढ़ने लिखने का शौक है वो उसको जोक समझते हैं। आई ओनली रीड रोमांस, वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स, इस तरह की चीजें। वैम्पायर्स एंड वेयरवुल्व्स, ये कोई खास वजह? मुझे बड़े पसंद है वैम्पायर्स। नो थ्रिलर्स, नो मर्डर मिस्ट्रीज? नहीं नहीं नहीं, व्हेन आई सिट डाउन एंड रीड आई वॉन्ट टू अनवाइंड, रिलैक्स करना चाहती हूँ कि मैं इंजॉय करूँ, मैं उसी दुनिया में चली जाऊँ। थ्रिलर और ये इस तरह की मर्डर मिस्ट्रीज पढ़ के मैं स्ट्रेस आउट हो जाती हूँ। अच्छा तो आप यानी कि सिर्फ इन किताबों में रहना चाहती हैं और कोई बायोग्राफीज नहीं आपको पसंद? आप इनको वो गिफ्ट क्यों नहीं करते किताब, लाल हवेली से पार्लियामेंट हाउस तक? इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखें नाम के अंदर ही है, पैकेज लग रहा है। इसे आपको कॉपी मिली इसकी? सर नहीं मिली, और मैं पढ़ूंगा भी तब जब मुझे साइंड कॉपी मिलेगी। ये शेख रशीद साहब ने एक लिखी है। तो इनकी बायोग्राफी है? जी उनकी आई थिंक सॉर्ट ऑफ बायोग्राफी है। आई हैव नॉट हैड द प्लेजर ऑफ रीडिंग इट। जो शेख साहब की शख्सियत है आई हैव नो डाउट इन बिलीविंग कि बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसमें कोई शक नहीं है। पढ़ना चाहेंगी होगी तो सर आपने अगर अब अगले इजलास से मिलना ही है उनसे तो कहें कि साइंड कॉपी मेरे लिए भी ले ली। एक अपने लिए, एक आपके लिए और एक वासी के लिए। अकरम भाई ने एक नावल लिखा है जी, तीन औरतें तीन कहानियां। नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा अच्छा आपको वैसे रीडिंग का शौक है? सर अखबार से फुर्सत मिले तो बंदा कुछ और पढ़े, बट हाँ आई डू लाइक टू रीड। एंड व्हाट एग्जैक्टली डू यू लाइक? अब तो सर सोशल मीडिया का इतना वो आ गया है, व्हिच इज व्हाई आई एम सेइंग कि कोई किताब अगर पढ़ते हो तो व्हाट जॉनर आर यू इनटू? आई रीड अ लॉट ऑफ क्रिकेट बायोग्राफीज। ओह अच्छा, मतलब अगर मुझे कोई किताब पढ़नी है तो मेरी गो टू होती मिसाल के तौर पर शोएब अख्तर की, बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त है। मार्क वॉ की बहुत अच्छी है, तेंदुलकर की बहुत जबरदस्त है, मैंने पढ़ी नहीं है। दैट इज वेरी गुड, तेंदुलकर वाली इज वेरी गुड। देन मियादाद साहब की इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। I would love to read. Yeah, वो बड़ी एक interesting है। आपको, you know, it's not about the cricket. It's actually I was about to ask, is it based only on cricket या उनके अपनी life? No, no, it's their life. नहीं, actually. शोएब अख्तर की तो I would like to read शोएब अख्तर. Explicit किस्म की, बड़े मजेदार किस्म की। वो आपको Oh, really? हाँ, it's very good. That sounds interesting. क्योंकि शोएब अख्तर साहब एक candid आदमी है, थोड़े से तो कई जगह पे वो बोल जाते हैं इस तरह। मैं खुद क्योंकि biographies का ज़्यादा शौकीन हूँ, तो मेरा हमेशा मानना होता है कि चाहे अगर 100 में से 50% भी उन्होंने फिक्शन या झूठ लिखे तो 50% सच होगा ना। Exactly. फिक्शन में तो पता है कि सभी हम लोग झूठ लिख रहे हैं। कीटो डाइट का आप जिक्र कर रहे थे, जी जी। मैंने सुना है कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। नहीं कोई नहीं, आई गारंटी यू इट्स लाइक अ मिरेकल। अगर आप सही तरीके से डाइट को फॉलो कर लें तो इससे बेटर कोई वैसे नहीं। आपको तो शर्मीन जरूरत नहीं है, आप क्यों करती हैं? आई फील कैमरा कैन बी वेरी इविल फॉर सम पीपल, स्पेशली टीवी पे आते ही हर इंसान का डिफरेंट होता है। कुछ लोग 5 pound हैवियर नजर आते हैं, कुछ लोग 20 pound हैवियर नजर आते हैं। आई डोंट नो व्हाई। नहीं मगर वो क्या कहते हैं, द कैमरा पुट्स 10 pound ऑन 10 pound से कहते हैं ये है जो रखी हुई है। देखिए ना हम तो करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस होते ही 36 कैमरे हैं उसके ऊपर। यकीन वादा नहीं, ताबे इंतजार नहीं, माहौल मुल्क
की सियासत का खुशगवार नहीं, अभी इकॉनमी है मसनूई तनफस पर, सो कारोबार के हालात साजगार नहीं है। इत्तेहाद एहतसाब से बचने के लिए, वगरना कोई किसी का भी जानसार नहीं। पक्की गल आ Good, how are you? You know, I am really very happy today. How come? I'm going back to the United States. Oh, really? Yes, last night, Joe Biden called me. Achha, call hi kar di usne aapko? Nahin, meri mama ko lene call karai hai na. Achha. Because he's my relative. Meri phuppo de devar da munda hai. Mainu kande halfe wufadari di takreeb hona liye. Haan. Te tu aaja. Theek hai. Kanda apne naal hone chahiye ne. Kanda utthe tu नगमा सुराई करनी है, ठीक है। ते उस तो बाद हलफे वफादारी दी टुकड़ी होएगी, ठीक है सर। तेनू एक शील्ड देंगे, नाल कहंदे तेनू $7,000 देंगे। $7,000? यस, वो कहंदा है देंदा नहीं। मैं कहता तुसी मैनू पैसे ना देना, रोटी खुआ देना, ठीक है। कहंदे ने नहीं, चाह ते बिस्कुट देंगे, इत्थे भी पीटीआई वाले हालात ने। अच्छा, अमेरिका में भी? यस, कहंदा बिकॉज ऑफ कोरोना साडी मईशत सारी बुरबाद हो गई है। बट तू आ जा, टिकट मेरी उन्होंने करा दी, होटल की रिहायश का भी मैंने वोचर भेज दिता। बट मेरी फ्लाइट कराची तो है। अच्छा। यस, मैं उन्होंने कॉल की, मैं कोई अच्छी सी सीट बना दें। मैंने कहते ने रश बहुत है, तुमने जहाज की धूम पे बैठ के जाना है। सो कराची का मसला है, बस उतो तक मैं चला जावा, ते अगो ते मेरा बुश तो बंद हो गया, ठीक है। ते मैं कराची की टिकट के पैसे दे दियो। उन्हें कहा 9,495 रुपए लगनगे। 95 नहीं, 95। Yes, 95. Yes. Could you please give me, जो आर लेना है? मगर मेरे पास नहीं है अभी। नहीं ते नहीं, जेबा क्यों रखिया ने, मैं हाथ च मारन नु। अबे नहीं है बात। तो वर्षू जाए जो उच्च मेरा इन्ना सोना काम होने लगा। You can try. Yes, over here. Could you please help me? मैं उच्च चला जाऊंगा। जोसेफ रेबनेट बाइंडर मेरा कजन है का। उन्हें क्या है भी तू आ जा, आगे तेरे पागल अच्छी है। अच्छा। तो पाजन केरी कंपनी से काम कर दे। कंपनी में नहीं। मैंने। This guy? Yes. फेस तो ते नून लीग ते लग रहा है। नहीं। ये तो आधा 5,000 ते कट गया। इनान दसे? पप्पू बोला। जैन कुरैशी। ओए, ओए, माही, शाह महमूद कुरैशी साहब दे सन ऑफ। यस। आई लव दिस गाय, शाह महमूद कुरैशी साहब दियां जरियां नवियां पुलिसियां आईयां ने ना। That's very great for Pakistan. अच्छा, हुण ए दसो 9,000 किन्ने दसे हैं तुरी? 9,795। दुम दे। ਦੋਮ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਖੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਪੱਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਭੌਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਵ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਆ ਗਿਆ ਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਿਲਦੇ ਲੇਕਿਨ ਨੂਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸ਼ਰਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਂਡ ਕੈਰੀ बाजी में नहीं करके तुरई फिर वो उनका मसला वो कर लेंगे जा सकते हैं जा सकते हैं हैंड कैरी में 7 किलो अलाउड होते हैं लेकिन सूटकेस खाली है मेरा ये देखें काम हो गया बाजी ओदे मैं नहीं मैंने मेरा साह कुटया जांदा गिटार साडे कोल छड़ जाओ तो तुसी चले जाओ इना नाल नहीं इदे नाल ते मैं नगमा सुराई करनी है सुराई जो करनी है करे जरा सुनाए जो को जदों जा आगे है इमरान मेरी जान हो बन गया ना पाकिस्तान हो बन गया ना पाकिस्तान इमरान खान जिंदाबाद शाह महमूद कुरैशी साहब जिंदाबाद एंड जहांगीर तरीन साहब का हले कोई फैसला नहीं होया जिंदाबाद है कहने वो 4,000 और दिन तो सारे जिंदाबाद ने नहीं नहीं हो गया दोबारा बाजी तुसी कि अपना सिर सदका दियो अगे तुहाडी फिल्म आ रही है सुपर हिट जानी फिल्म तो मैंने अभी फिलहाल नहीं करी आप ड्रामे के लिए दुआ मांग ले
तमीम जैसे आपने कमर्शियल किए हैं, ड्रामा किया है, एक्टिंग की है, तो ना मंगनी की ना शादी की, इसकी क्या वजह है? आई गेस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। सोचा तो था ना कि एक मुजाकरात में कॉमेडियन और ब्लैक जैकेट पहनी हो, प्यारा सा खूबसूरत सा मैं हूँ। सोचना पड़ेगा आई गेस। सोचे फिर आए ना, मैं अपने बड़े भरा भी बुलाया इन्हें जरा। हकीकत दसा, मैंने पूछ रहे सन पहले शो तो पहले कि रोल है कैसर पिया दी, वैसे शादी हुई हुई है नहीं, कोई थोड़ा जे इनकी तरफों कोई दिलचस्पी सी वैसे? भाजन अगर मैं पीटीआई मान लिया तुम भी मेरी इस गल मान लो, समझा करो तुम गल। मैं तो तुम दस रहा हूं बकायदा पूछा है तेरा। आई एम अज्यूमिंग कि आप भी सिंगल ही हैं इस वक्त फिलहाल। जी बिल्कुल सिंगल। क्यों सिंगल क्यों है आप? आप मुझे पता था ना आपने आना है इसलिए आपका इंतजार था। इतने अरसे से इंतजार कर रहे हैं आप? जी जी इंतजार में बैठे हुए हैं। आप कितना लंबा इंतजार में बैठेंगे? सारी उम्र बैठे रहेंगे? अगर आप कहेंगे क्यामत तक तो क्यामत तक, क्यामत तक। अगर आप कहेंगे अगले जुमे तक तो अगले जुमे तक। तो वैसे सोचा कैसा है जिंदगी में, कोई आइडियल होता ना? नहीं कोई नहीं सोचा नहीं कभी। और इस साल आई थिंक 2020 में तो मैंने जो चीज सीखी है वो ये कि प्लान करना ही नहीं चाहिए। हम क्या प्लान कर रहे होते हैं आगे के साल, छह महीने, दो साल, तीन साल, हमें ये नहीं पता कि अगली घड़ी क्या होना है। लेकिन आइडियल तो कोई होता ना, जैसे कि एमएनए हो, वजन कम किया हो, कोई आइडियल ऐसा तो नहीं कभी कोई सोचा? अगर सिंगल हो तो फिर आपकी नजर में कोई है असेंबली के अंदर सिंगल को बचे हो? सर तो बड़े यंग नए आए हैं। कौन सा नया टैलेंट आया हमारे पास? नहीं बड़ी फरिश्त है इसकी तो बड़ी लंबी तो बताए ना यार, ऑफ द हुक बताए कोई मुझे क्या पता उनमें से कितने सिंगल है कितने नहीं है। उनके तो मैं आपसे पूछा था, यही तो पूछ रहे थे आपसे, आपका क्या फायदा हुआ जैन? मैं उनसे रابطہ رجوع کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ ویسے مجھے بھی سنگل اس وقت یاد نہیں آ رہا ان میں سے کوئی ایک ہو۔ شیخ رشید صاحب بھی سنگل ہیں بس۔ اب تک آپ کی بات کہیں بنی کیوں نہیں؟ یہ ملین ڈالر کوسچن ہے جو میں بھی ہر دفعہ آ کے پوچھتا ہوں۔ ویسے پتہ ہے آپ کو میری امی رشتے کراتی ہیں، اگر آپ کہیں تو میں لڑکی ڈھونڈواؤں۔ میرا کم لیڈی لگ گئے ہونا کچھ بولے۔ اچھا تو کوئی بتا دیجئے آپ کوئی ریکوائرمنٹ، کس طرح کی لڑکی؟ ہاں کس طرح کی لڑکی بتا دیں؟ اس طرح کی جو سامنے بیٹھی ہے نا، پیاری سی، پڑھی لکھی، خوبصورت۔ نہیں تو کہیں تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا نا، پرفیکٹ پیکج تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں تو کمپرومائز تو وہ کریں گے نا جنہوں نے کرنا ہے، سارا کمپرومائز ان کے حصے میں۔ ہاں ویسے یہ بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ بھی جائیں کچھ کریں، جو کہیں گے میں کروں گا انشاءاللہ۔ اور اگر لڑکی کراچی میں رہتی ہو تو آپ کراچی موو ہو جائیں گے؟ میں اتھے جا کے حلیم دی دکان پا لاں گا، تو حکم کر دے گی۔ اتنی گینٹری میں بھی دے سکتا، انہیں منٹ نہیں لانا۔ ویلکم بیک ٹو مذاکرات۔ زین گھر میں کوئی آپ لوگوں کے اوپر بین لگتا ہے کہ آپ نے کوئی سیاست کی بات نہیں کرنی؟ لگنا چاہیے میرے سمجھنے میں، لیکن لگتا نہیں ہے۔ اچھا ابھی تک لگا نہیں ہے۔ سیاسی گھرانوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ویسی سیاست ڈسکس ہوتی ہے، ہاں پھر لوگوں نے بھی یہ ٹھیکہ اٹھایا ہے کہ ان سے ہم نے اور کوئی بات نہیں کرنی، صرف سیاست کی بات۔ سو یو نو مطلب گھر کے چلے لوگ تو یو نو وین یو آر آؤٹ آئی کین امیجن کہ ہلکے میں ہیں تو لوگ آپ کو مل رہے ہیں، ڈیرے وغیرہ پہ ہو رہا ہے یہ، مگر جب گھر آتے ہیں تو کوئی آپ کے وائف یا وہ کہتی ہیں کہ پلیز اب یہ یہاں پہ نہ، یہ پارلیمنٹ والی باتیں اور سیاست اور یہ ہو رہا ہے، یا وہ بھی یہی ساری باتیں کرنا شروع ہو گئی آپ سے بیٹھ کے ڈسکس کرتی ہیں؟ اچھا جی میری بیوی کو سیاست کی الف بے نہیں آتی تھی جب سے میری شادی ہوئی، اچھا بٹ اب ماشاء اللہ سے ان کا سیاسی تبصرہ بہت اچھا ہو گیا ہے، وہ سیکھ گئی ہیں۔ اور یہ آپ کی والدہ بھی کرتی ہیں شاہ صاحب کے ساتھ؟ میری والدہ تو ویٹرن ہو گئی، میرے گھر میں بیٹا بھی اسی کام میں آگے ہے تو اب یہاں پہ میرے سامنے نہیں دونوں باتیں کریں۔ میرے سمجھنے میں میری والدہ پاکستان کے کئی سیاستدانوں سے بہتر ہے، مگر حقیقت ہے۔ لیکن میری بیوی بھی بہت تیزی سے سیکھ رہی ہے۔ تو آپ پھر کوئی دوسری باتیں شروع کر دیا کریں نا۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں کوئی دوسری بات ہو، لیکن اگلے نہیں موقع دیتے، واپس منہ پھرا کے نہیں لے آتے۔ اپوزیٹ کیس ہے بالکل۔ یہ تو جناب افسوس بھی انہوں نے انجی کرنا پیندا، بڑا دکھ ہویا ساڈا ایک ووٹ کٹ گیا۔ مجھے بات تو یہ بڑا ایک پیشنس کا کام نہیں ہو جاتا زین، اینڈ آئی ایم سیئنگ دس بیکاز چلیں والد صاحب تو آپ کے یو نو ویٹرن بن چکے ہوئے ہیں، ناؤ ہی ہیز بین ڈوئنگ اٹ فار لٹرلی ڈیکیڈز، تو ایک آپ کو سمجھ آ جاتا ہے ہاؤ ٹو ہینڈل دس ہول تھنگ، مگر یہ بھی کئی بار ایک بہت اریٹیٹنگ چیز ہوتی ہے کہ ہر بندہ جیسا آپ نے کہا کہ آپ سے آ کے سیاست کی ہی بات کر رہا ہے اور اس نے مشورہ بھی دینا، میں تھانوں دسنا کہ کی غلط کر رہے ہو تسی، تو ایک ٹائم کے بعد یو گیٹ کائنڈ آف
एजुटेटेड विद द आइडिया कि यार मैं कितने लोगों से कितने मर मशवरे सुनूंगा। यकीनन सियासत के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। कुछ ज्यादा ही होती जा रही है रिक्वायरमेंट मुझे लगता है, और आप भी एक्टर्स भी, ये एक बड़ा होता है कि लोग आके अप्रोच कर रहे होते हैं सो उसमें ही बहुत पेशेंस टेस्ट हो रहा था बिकॉज यू आर नॉट रियली लुकिंग योर बेस्ट ऑल द टाइम। मे बी उस वक्त आपको होगा कि यार अच्छा भाई अब तो इस वक्त तस्वीर ना मांगे या हाँ, इस वक्त तो ना ही कोई देखता तो बेहतर था। अच्छा मेरे लिए वो इतना इशू नहीं है, मेरे लिए ये है कि मैं जब भी कभी कहीं बाहर जाती हूँ, कहीं बैठी हुई हूँ, तो सबसे पहले आके जैसे ही लोग कोई देखते हैं ना कि वो आई एम फ्रॉम द इंडस्ट्री, अच्छा ये जो इसकी डिवोर्स हुई है तो क्या इसके पीछे क्या कहानी है। अच्छा यानी कि जो हकीकी डिवोर्स किसी की हुई होती है किसी, अगर इंडस्ट्री में से किसी की डिवोर्स हुई है तो वो सारी जो आंटीज हैं इवन अंकल्स हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि ये बाकी डिवोर्स हो रही है या फिर अच्छा शादी हो रही है, इनका अफेयर कब से था, मतलब कि मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता। इज इट बिकॉज आपकी वालदा रिश्ते कराती हैं उसका कोई इसमें है क्या? नहीं नहीं सारी रात इमरान खान साहब की कॉल वजी टली 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 कहने निकल बार पहुंच बनी गल बस सर्दी बड़ी सी चढ़िया फिर छत जाके हेलीकॉप्टर स्टार्ट किया नहीं होया क्यों सेल नहीं सन वो फिर मैं बच्चे नु क्या मैं क्या बच्चे वापसी तो सेल लेंदा आवांगा कदिया फिर डाला मारिया सेल्फ कितों कितों इग्निशन च पुत्र अगू कही दा हुंदा मालूमात इजाफा हुंदा हो गया स्टार्ट पी पहला तीसरा पंजवा छे पचवंजा ते पहुंच गया जिम्मे उन्होंने कहा सी उवें ही पहुंचिया अगो मंजर भी बड़ा अजीब क्या बरांडे दे विच बैठे ने खान साहब भाई सर्दी कवे आजियां अच्छा एदो खाली ट्राउजर ते वी गली वाली शर्ट पाई है हाफ स्लीव ना करे 150 ते डंड करदे ने रोज माशाल्लाह उस तो बाद सारा दिन लोकां ते डंड करदे ने मैं कहा सर बड़े फास्ट फॉरवर्ड जा रहे हो मैंने कहा ने मतलब नहीं समझिया मैं कहा सर रेलवे हेडक्वार्टर गया शेख रशीद साहब ने मिलन बुआ खोलिया ते कि आजम सवाती साहब बैठे ओ मैंने कहा ने निर्गोली शुक्र है आ गया है ओ 6 बजे वाली ट्रेन कितने बजे आंदी है जी सर बहुत अच्छा ओ मैं कहा सर 6 बज के 1 मिनट ते बुआ ठा बंद मैं कहा सर तुहाडे कोल आ गया ऑर्डर लाओ कहंदे ने एक और फैसला तेन सुनावा खान साहब कह रहे हैं जी सर अच्छा मैं कहा जी सुनाओ कहंदे ने मार्च वाले इलेक्शन फरवरी has been done. No ballot. अच्छा हाथ खड़े हो जाएंगे मिम्बरान दे ना करें मैं कहा सर बड़ी अच्छी गल है आवाम दे पहले ही हाथ खड़े हो गए महंगाई तो इन्होंने भी होने चाहिए ने अच्छा मैं कहते ने पुठियां समझा लिया तू बुजदार तू भी ज्यादा तंग करना है जी सर मैं क्या सर मैं तो सिर्फ सर्दी की वजह तो डरिया हो मैनू कहंदे ने ए 10 मियां नरगोली भाई तू तो सारे हालात तो वाकयात जानना है बिल्कुल फरवरी की केड़ी डेट नु रखिए मैं क्या सर 14 फरवरी हैज बीन त्रिकड़दम अच्छा ते देखो ना गुलाब दे फूल हाथे चोणगे शो ऑफ हैंड होएगा वाह वाह लेकिन मैं क्या सर ये हैंड होएगा किदे नाल ते ऐसा सीधे खलो के मैनू कहंदे ने तुम अब जा सकते हो अच्छा तो मैं समझ नहीं की क्या नहीं मुझे भी समझ नहीं आई अच्छा जी बस फिर वो गुचू मुचू कर गए सारी गल गुचू मुचू ही बनती थी पता नहीं लगन दें दे यार मैं हैरान हो जाना भाई ओ माशाल्लाह ज़ैन कुरैशी साहब ये नंते पता होगा पता नहीं पूछ लिया माशाल्लाह हुण ते सुपर हिट जा रहे ने मुल्तान दे विच सुपर हिट जा रहे सर इतनी मेहनत कर रहे ने किथे मुल्तान च आ जड़ा जलसा है नून लीग ऐसी बेहतरीन फनकारा भाई प्यार के सदके ऐसे ऐसे सीरियल किए ने कमाल कर दिता ने अच्छा कराची yes. पढ़े लिखे है गए ने yes. ते एडे सोहने मेहमान बुलांदे हो ते दस दे ही नहीं सर कहना ही हैव ए वन फोटो प्लीज
खान साहब ना ते मैं लेना तो ऐसे पास है इधरों शुरू करो नहीं 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 सर बुरी गल है जे तुहाडे वालों शुरू करना है सर अगे जिहड़ा एहतसाब आना है अगली बारी वो तुहाडे तो ही शुरू होना है ओहो किहड़े पासे चले गए एक्चुअली तुसी मेरे फेवरेट हो ऐ मैं तुहानू क्या है तुहानू पहले तो पता सी सर तुहानू पता ही नहीं मैं पिछे कित के दल तुहाडे वाले इशारा कीता भी मेरा सोहना शहर मुल्तान मिठे लोग सोहन वालों खाण की लोड़ ही नहीं इन्हां नूं बंदा दंदियां वड्डी रखे वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी तो 2020 का आगाज करते हैं आधी रात का वक्त शर्मीन शदीद बोरियत का आलम फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए आपने इनमें से किन को करनी है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब कायम अली शाह और जनाब मौलाना फजल रहमान आई थिंक एंटरटेनमेंट वाइज मौलाना फजल रहमान हैज अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर हैं तीन लोग मौजूद हैं एक के साथ आप सेल्फी लेंगी एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आयजा खान सज्जल अली और माहिरा खान तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ लेंगी माहिरा स्माइल किसको दे रही हैं सज्जल और किसको कह रही हैं कि फ्लोर आ गया आयजा खान ठीक है स्पेस शटल पे आप चांद पर जा रही हैं दो सीट्स हैं एक अपनी है दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं लेकिन जिनको आप साथ लेकर जाएंगी उनके चांद से वापस आने की गारंटी नहीं है Although you will come back. Options आपके पास हैं मिकाल जुल्फिकार और इमाद इरफानी मिकाल आपको वो चांद पर छोड़ देंगी जाके ठीक है तीन लोग हैं एक को आप ओपनली फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम पे एक को आप सीक्रेटली फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम पे और एक को आप ब्लॉक ही कर देंगे ठीक है तो कौन क्या होगा ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब हुमायूं सईद जनाब अदनान सदीकी और जनाब नुमान एजाज तो ये बताइए कि ब्लॉक किसको करेंगी नुमान एजाज ब्लॉक हो गए सीक्रेटली किसको फॉलो करना चाहेंगी हुमायूं सईद और ओपनली फॉलो करेंगे अदनान सदीकी को ठीक है ये बताइए मैडम टाइटैनिक पर जा रही हैं दो वीआईपी पास हैं एक अपना है दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब शहबाज शरीफ साहब का वोट बैंक है भाई क्या नहीं सर टाइटैनिक पे लेके जा रही हैं वो आप देखिए आप जो भी मतलब निकाले टाइटैनिक से पुल बना देना उन्होंने कोई फर्क नहीं डूबती कश्ती में आप भी सवार हैं दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं एक अपनी है दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देना चाहेंगी ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया इफ्तिखार ठाकुर और ज़ैन कुरैशी ज़ैन ये इतनी जल्दी यूजुअली आप चूज हो जाते हैं अल्लाह का करम है सर की अच्छा ये हमेशा ऐसा ही होता है सर ना नजर लगाए आपको क्या मतलब इतना खुलकर तो बताएंगे भी नहीं बेगम ने नहीं, नहीं वो जो उन्होंने तो जो देखना है वो अब देख चुकी है प्रोग्राम चलने के बाद मजीद देखना है जब ये वैसे ही किसी वक्त तैयार हो रहे होंगे सुबह के टाइम तो एकदम एक बात सुने आएगा ये तजर्बा बोल रहा है सर आप बताएं सर आधी रात का वक्त है शदीद बोरियत का आलम है एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है किसको कर रहे हैं वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए आप ऑप्शंस है आपके पास सबा कमर और आयजा खान सबा कमर ये बताएं फिर पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे सेशन के लिए लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं तीन लोग मौजूद हैं एक के साथ सेल्फी है एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे भाई आपका फ्लोर आ गया है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद चौधरी फैसल वाडा और मुराद सईद तो सेल्फी किसके साथ है फवाद चौधरी उसकी फॉलोइंग सबसे ज्यादा है इंस्टाग्राम पे अब ये बताएं स्माइल किसकी सबसे अच्छी है मुराद सईद और किनको कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया बचाइए एक है बेचारा वो बेचारा कौन है फैसल वाडा साहब आपका फ्लोर आ चुका हुआ है ये बताएं सर आप भी जा रहे हैं चांद पर स्पेस रॉकेट दो सीटें एक अपनी दूसरे पे किसी और को लेके जाना है स्पेस रॉकेट फवाद चौधरी का नहीं ये अपने वाला हमने दूसरा मंगवाया हम इसलिए लेंगे आप जा रहे हैं चांद पर वापस जो आएगा नहीं वो कौन होगा Although you will come back. Options आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान और डॉक्टर फिरदौस आशिकवान फयाजुल हसन चौहान ओए नो डाउट्स अबाउट दैट फयाजुल हसन चौहान साहब आपको चांद पर होना चाहिए नो डाउट्स अबाउट दैट इन्होंने कहा सर ये बताइए फिर टाइटैनिक पर आप भी दो वीआईपी पास एक अपना जैन एक पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मरियम औरंगजेब और शर्मीन अली टाइटैनिक पे तो मरियम औरंगजेब को लेके जाऊंगा ठीक शर्मीन को तो हमने बचाना है सरमाया है पाकिस्तान का ये ओके ठीक थैंक यू असल में आपको समझ नहीं आई कि आपको हुआ क्या टाइटैनिक पर आपको नहीं लेके गए क्योंकि बचना वहां भी रोज नहीं था ये देखा ये फिर वही हरकत का सर ये बताएं अपने घर में एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के लगानी है आपने रोज सुबह उठेंगे जाते हुए आपकी नजर उस जायंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप महविश हयात माहिरा खान या फिर बिलावल भुट्टो माहिरा ही रखते हैं माहिरा खान की तस्वीर देखना चाहते हैं रोज ये ठीक है सर डूबती कश्ती दो लाइफ जैकेट्स
एक अपनी दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उस्मान बुज़दार और शर्मीन अली। शर्मीन अली आपको जैकेट दी, मायरा खान की तस्वीर लगाई, मरियम औरंगजेब को टाइटैनिक पे लेके गए, रात को कॉल जो कर रहे थे वो आप कर रहे थे सबा कमर को। आपने पूरा बंदोबस्त किया मेरा बड़ा घर कराने का, लेकिन नहीं मैं समअप किया जहन के तमाम जवाबों का, ही नहीं वजन गिरते। इंसान अपना जो ध्यान रखना शुरू करता है ना बहुत ज्यादा, तो कुछ चक्कर होता है। चल हम 6-7 दिन मुल्तान नहीं जा सकते। नहीं यार, मेरी बीवी लाहौर रहती है और मैं अगले 6-7 दिन मुल्तान नहीं जाना पड़ेगा। Thank you so much for being on the show. It's so much fun to have you as always. Shameen, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। Thank you so much. Sir, क्या सुना रहे हैं आज?